नमस्कार, आपकी आवाज देख रहे हैं आप, मैं अवधेश कुमार। देश में सबसे बड़ा और पवित्र कुछ है तो वो है देश का संविधान। संविधान ने एक नागरिक के तौर पर हमें अधिकार भी दिए तो हमारे लिए कुछ कर्तव्य भी हैं। वक्त बदलने के साथ संविधान में संशोधन भी होते रहते हैं ताकि किसी जाति धर्म के व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो। व्यक्ति के लिए न्याय की रक्षा का काम अदालतों का है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए SC ST एक्ट को लेकर कुछ दिनों पहले कुछ गाइडलाइंस दी थी और दलित संगठनों का यह कहना था कि इससे उनके अधिकारों का हनन होता है। और आज सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ दलित संगठन सड़कों पर उतरे। हक की लड़ाई में हिंसा की ये तस्वीरें आज पूरे देश ने देखी। राजनीति वोट बैंक के चक्कर में फूंक फूंक कर कदम रखती रही, उपद्रवी अपना काम करते रहे और इन सब के बीच सूबे में 5 लोग बेमौत मारे गए। आज आपकी आवाज में बात होगी इसी मुद्दे पर कि हक के नाम पर हिंसा क्या सियासत के नाम पर साजिश हुई है। तो SC ST एक्ट को देश भर में दलित संगठनों के बुलाए गए बंद में जोरदार हंगामा हुआ। इस हंगामे में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी अछूते नहीं रहे। लड़ाई हक की थी, संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण थी, लेकिन उसी के नाम पर आग लगाई गई। कहीं पर पत्थरबाजी हुई, कहीं दुकानें तोड़ी गईं, कहीं पर गोलियां भी चली और हक की इसी लड़ाई में चंबल तो जल ही उठा। इस हिंसा ने ग्वालियर, भिंड और मुरैना में 5 जिंदगियों को निगल लिया। चंबल में क्या हुआ वो तस्वीर आपको बताएं, लेकिन 6 शहरों की तस्वीर भी आप देखिए। भिंड में हक की लड़ाई के नाम पर जो हिंसा हुई उसमें आकाश गर्ग और महावीर राजावत नाम के 2 युवकों की गोली लगने से मौत हो गई। हालात को काबू में करने के लिए धारा 144 लागू की गई है। इसके आगे अगर हम बात करें चंबल की, तो वहां पर हालात कितने भीषण है कि मुरैना में भी हंगामा हुआ। इस कदर कानून व्यवस्था पर भारी रहा कि यहां पर भी एक व्यक्ति की मौत हुई। SI पर जानलेवा हमला किया गया और उनकी सर्विस रिवॉल्वर को छीन ले गए उपद्रवी। हिंसा में जौरा SDOP RKS राठौर और सिविल लाइन के TI समेत 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। राहगीरों को भी यहां पर नहीं बख्शा गया, उनकी भी जमकर पिटाई की गई। ग्वालियर की बात करें, ग्वालियर शहर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ये तस्वीर केवल चंबल की नहीं, हालात मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों में भी सामान्य नहीं। आप तस्वीर देखिए, कहीं पर दुकानदारों से गुंडागर्दी हो रही है, कहीं पर मारपीट हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है। इन सब के बीच हमारा सवाल सीधा सा है कि इस तरह की हिंसा को हक की लड़ाई का नाम दिया जा सकता है क्या? और सवाल ये भी है कि क्या इस तरह की तस्वीरें जो उभरी हैं उनमें सियासत की वोट बैंक की सोच और कानून व्यवस्था का ढीलापन क्या उजागर नहीं हुआ है? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब जानना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि हक की लड़ाई लोग लड़े, अपने संवैधानिक हक की बात करें, ये सबका अधिकार है, लेकिन क्या उसके नाम पर हिंसा जायज है? उस चर्चा पर चलेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ की तस्वीर दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में भी भारत बंद पर गहमागहमी देखने को मिली। कहीं बाजार बंद कराए गए तो कहीं पर दुकानदारों ने खुद ही दुकानें बंद कर ली। 4 तस्वीर आप देखिए और समझिए कि कैसे छत्तीसगढ़ में SC ST एक्ट में बदलाव पर हंगामा जारी रहा। दूसरी तरफ प्रदेश में SC ST एक्ट पर हुए बवाल पर अपने अपने तरीके से राजनीति हुई। लोगों ने फायदे तलाशे, प्रदर्शनकारी हिंसा कर रहे हैं तो उसे साजिश बताया जा रहा है, तोड़फोड़ हो रही है तो वोट के लिए राजनेता उससे सहमत भी नजर आ रहे हैं। SC ST को लेकर के राजनीति नहीं, जो कानून है इस देश के अंदर में हजारों साल से जिनको दबाया गया, जब वो समाप्त ही नहीं हुआ, उनका शोषण ही समाप्त नहीं हुआ और आप उस कानून को सीधा सीधा शिथिल कर रहे हैं, तो क्या ये न्यायोचित बात है? कोई भी जो बराबरी की बात करेगा, समानता की बात करेगा, वो हर व्यक्ति इस कानून का विरोध कर रहा है, जिससे कि ये जो अन्याय हो रहा है वो तत्काल रुक जाए। अभी लोकसभा चल रही है, राज्यसभा चल रही है, रोज राज्यसभा लोकसभा चलाने में देश के अरबों खरबों रुपये खर्च हो जाते हैं, उसके बावजूद जो असली मुद्दे हैं उन पर कोई काम नहीं हो रहा है। संशोधन विधेयक आना चाहिए,
और ये जो एम्बिग्यूटी आई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, इसको दूर करके एक नया और सुदृढ़ सशक्त कानून बनाना चाहिए। सवाल यहाँ समाज जो चिंतित इस बात की है कि अगर धीरे धीरे हमारी जो सुविधाएं हैं, हमारी रक्षा के लिए कानून बने हैं, हमारी जमीन जायदाद निकल जाए, ये हो जाए, अधिकार छिन जाए, नौकरी चाकरी का ठिकाना नहीं, बेरोजगारी की समस्या, ये समाज के लिए चिंता का विषय है और इस दिशा में सरकार की तरफ से कोई गंभीरता से इसको किया जा रहा है। अब देश में देखना, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या होगी इस देश में, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो कल्पना किस किस चीज की ना की जाए, ये भी सवाल है। चलिए चार तस्वीर आपको छत्तीसगढ़ के दिखाते हैं कि कैसे दलित संगठनों के आंदोलन में लड़ाई तो हक की थी लेकिन उसके नाम पर हंगामा मचा और कानून व्यवस्था तो कहीं नजर ही नहीं आई। रायपुर की बात कर लीजिए, कोरबा की बात कर लीजिए, कवर्धा की बात कर लीजिए या फिर आप झाबुआ की बात कर लीजिए, अन्य शहरों की बात कर लीजिए, हर जगह हालात यही थे कि जिसके जो मन में आया वो करता रहा। तो अपने हक और संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए आवाज उठाना कहीं से भी गलत नहीं। भारतीय संविधान ने सभी को अधिकार दिया है कि आप संगठन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं और प्रदर्शन भी कर सकते हैं, लेकिन अधिकारों में शर्तें भी हैं। शर्त ये कि आपकी कोई कवायद आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा न हो। लेकिन सवाल ये कि क्या आंदोलन को प्लानिंग के तहत हिंसक बनाया गया? सवाल ये उठता है कि अधिकार मांगने के लिए आखिर हथियारों का इस्तेमाल क्यों किया गया? और सवाल यह भी है कि SC ST एक्ट में सुधार की जो मांग कर रहे हैं वो आंतरिक सुरक्षा पर भारी कैसे पड़ गया जब वो खुद कमजोर अपने आप को बता रहे हैं? क्या दलित आंदोलन सियासी साजिश का शिकार हो गया? और सवाल ये भी उठता है यहाँ पर कि जिस तरीके से देश ने आज पूरी तस्वीर देखी है, 5 निर्दोष लोगों की जो मौत मध्य प्रदेश में हुई है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है और हक की लड़ाई के नाम पर हिंसा आखिर क्यों की गई? तो यही वो सवाल है जिनके जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे अगले एक घंटे में कि मांग तो सुरक्षा को प्रशस्त करने की थी लेकिन जिन लोगों की सुरक्षा जिन्हें चाहिए वो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए संकट कैसे बन गए? क्या दलित आंदोलन सियासी साजिश का शिकार हो गया? और सवाल ये भी बनता है कि 5 निर्दोष लोगों की जो मौत हुई है इसका जिम्मेदार कौन है? और दलित आंदोलन वोट बैंक की राजनीति का नतीजा बन गया। सवाल यह भी उठता है कि आंदोलन का समर्थन करने वालों ने हिंसा का विरोध आखिर क्यों नहीं किया? केवल आंख मूंद कर समर्थन करते रहे, हिंसा के बाद हालात संभालने के लिए बड़े नेताओं की अपील क्यों सामने नहीं आई? ये भी अहम सवाल है, सियासत की नीयत पर सवाल है ये। बिना शर्त समर्थन देने वाले दल क्या आज की हिंसा के समर्थन में है? ये भी सवाल बनता है, इसका भी जवाब हम लेंगे। और सवाल ये भी है कि आंदोलन की हिंसा को संभालने में राज्य सरकारें असफल क्यों रहीं? क्या राजनैतिक हित को साधने के लिए मूक दर्शन करने की कोशिश की गई? और सवाल ये कि क्या दलित हितैषी बताने की होड़ में राजनैतिक संगठन मूक दर्शक बने रहे और पूरे देश में हंगामा होता रहा? क्या दलित आंदोलन वोट बैंक की राजनीति का नतीजा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दलित संगठनों का जो आंदोलन हुआ उसमें झड़प भी हुई। तस्वीर आप देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हक की मांग की जा रही थी लेकिन हठधर्मिता दिखी, हथियार लहरा दिए गए। ये हक की लड़ाई है लेकिन सवाल यह है कि हथियार क्यों लहराए गए, फायरिंग क्यों गई, 5 लोगों की मौत हुई, फायरिंग कर दी गई, इसमें मौतें भी हुई, उसके बाद आगजनी भी देखने को मिली, हंगामा भी देखने को मिला, पुलिस वालों को भी जमकर पीटा गया, उनकी सर्विस रिवॉल्वर छीनी गई। सवाल यही है कि क्या इस तरह के आंदोलन को हक का आंदोलन
कहा जा सकता है। और चलिए सीधे मेहमानों को रुख करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सूरज केरो बीजेपी एससी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता एमपी कांग्रेस। गिरजा शंकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आरपी सिंह जी हैं, प्रवक्ता छत्तीसगढ़ कांग्रेस, और नितिन भंसाली प्रवक्ता जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जी। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सूरज केरो जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहते हैं। जिस तरीके से एससी एसटी एक्ट को लेकर विरोध हुआ, उसमें आपकी सरकार ने ये बात कही कि हम पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे, लेकिन उसके बावजूद न तो आप एससी एसटी वर्ग को समझा पाए कि आपके हित में सरकार काम करने जा रही है, न तो आप लोगों से प्रदेश की कानून व्यवस्था संभल पाई। सर, क्या राजनैतिक हित इतने भारी पड़ गए थे कि आप लोगों को मूकदर्शक बन के बैठना पड़ गया? ऐसा नहीं है भूपेंद्र जी, इसके लिए जब ये जानकारी में आया तो हमारा वरिष्ठ नेतृत्व जो है पूरी तरह से एकदम सक्रिय दिखाई दिया, और बाकायदा उन्होंने जो ये जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया उससे उन्हें अवगत भी कराया, और तुरंत कार्रवाई करने के प्रसंग में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कदम भी उठाया, और उन्होंने पुनर्विचार के लिए इसका मन बना करके न्याय एवं विधि मंत्रालय को प्रस्ताव बनाकर भेजा भी, और न्याय विधि मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को पास भी किया, और इसका नतीजा ये है कि आज अलपना में पेश वहां पर हुआ। तो इसकी जानकारी समय समय पे सभी को मिलती रही, बताते भी रहे कि इतना गंभीर विषय नहीं है, क्योंकि चूंकि उच्च न्यायालय का निर्णय है तो हम न्याय के लिए और उच्च न्यायालय में हम लोग अपील करेंगे, और सरकार हमारे साथ है। हमको प्रधानमंत्री जी में पूरा विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी पूरा विश्वास है, और उन्होंने अपने किए को पूरा भी किया, जो कहा उन्होंने किया भी, इसलिए आज हलफनामा पेश भी हुआ। सूरज केरो जी, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि शांति का टापू मध्य प्रदेश है, बार बार मुख्यमंत्री जी कहते हैं, जब आपने सब कुछ एससी एसटी वर्ग के हित में कर दिया तो आप प्रदेश को जलने से क्यों नहीं रोक पाए, देश को जलने से क्यों नहीं रोक पाए? इसके लिए मैं समझता हूं कि एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों को कहीं ना कहीं जो है भ्रमित किया गया, और चूंकि जैसा कि हम सब समझ सकते हैं कि आज की तारीख में ऐसे कई तत्व असामाजिक तत्व हो सकते हैं और कुछ षड्यंत्रकारी भी हो सकते हैं कि जिनकी सोची समझी साजिश के तहत इस आंदोलन को जो है इस टाइप का रूप का सामना करना पड़ा। हालांकि लोकतंत्र में समाज के बंधु और हमारे भाई लोग जो है अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, तो उन्हें अपनी बात को कहना भी चाहिए, और हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी उनकी चिंता करते हैं कि हमारा अनुसूचित जाति समाज। सर, आप गलत फहमी मत फैलाइए, संविधान बोलने की आजादी देता है पर गोली चलाने की आग लगाने की आजादी नहीं देता। सर, आप अगर जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो प्लीज मत बोलिए, लेकिन ये मत कहिए कि संविधान सुरक्षा इस तरीके की देगा कि जो गोली चला रहे हैं उनको भी आजादी होगी। क्या बात कर रहे हैं सर? भूपेंद्र गुप्ता जी, जो कुछ भी हुआ, आपके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष सामने आए, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है उन आंदोलनकारियों को हम सलाम करते हैं। सर, क्या राजनैतिक वर्ग इतना ज्यादा मजबूर हो गया था कि सलाम तो आप करते गए लेकिन किसी के मुंह से ये भाषा नहीं निकल पाई कि कृपा करके भगवान के लिए प्रदेश और देश को छोड़ दीजिए, जलाइए मत? ठीक है, आप जो उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं उसमें मैं आपसे असहमत हूं। उन्होंने जो है कि उन्होंने कहा कि मैं न्याय की लड़ाई को सलाम करता हूं, आप जो है उसको कह उसमें उनके तो खुद ही निवेदन किया है आंदोलन। हाँ, सुनाइएगा, आप जरूर दिखाइएगा, और उसको जो है खुदा के लिए तोड़िए मरोड़िए मत। और उन्होंने जो है उन्होंने ये कहा है कि वो इस न्याय की लड़ाई को, न्याय की आवाज उठाने की के उसको सलाम करते हैं, और ये बात दुनिया का हर आदमी कहेगा। जिस तरह के अत्याचार और जिस तरह का हिंसाचार देश में भड़काया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, उसमें जो है हर आदमी इस बात की वो करेगा, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम हिंसा का समर्थन कर रहे हैं। हिंसा जो है गैर जरूरी है और हिंसा नहीं होनी चाहिए। आज सरकारें यहां पर जो है 15 साल
साल से काबिज हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, आज जो है आपके पब्लिक डोमेन में टीवी पर और सब जगह पहचाने हुए चेहरे बंधु के लिए देख दिखाई दे रहे हैं, क्या सरकार उन्हें पहचान के तुरंत बुक नहीं कर सकती है? वो कौन से इन्फ्लुएंशियल लोग हैं? क्या वास्तव में वो आंदोलनकारी हैं या उसमें घुसे हुए हैं या जो है सत्ता के पोषित लोग हैं? ये तत्व है लेकिन चलिए सर हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, हम आपको अनूपपुर की तस्वीर दिखा देते हैं सर कि किस तरीके से अधिकारों के संरक्षण के नाम पर अनूपपुर में लोगों को पीटा जा रहा था और आपके ही विधायक जी वहां पर उस भीड़ के साथ ये चल के कह रहे थे कि यहां पर कुछ नहीं हो रहा। लेकिन तस्वीर देखिए, अनूपपुर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर जमकर हंगामा हुआ, यहां पर हिंसक हो गए लोग, लेकिन आपके विधायक मार्को साहब यहां पर मौजूद थे। जब उनसे पूछा गया कि इस तरीके के हिंसा का क्या समर्थन होना चाहिए, आखिर हिंसा हो रही तो आप रोक क्यों नहीं रहे हैं, तो उन्होंने हिंसा की बात को नकार दिया जबकि उनके सामने सब कुछ हो रहा। सुनवाते हैं आपको। सूचना दे करके रखे थे ऐसा मुझे पता चला है, और कहीं भी ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटी, न कोई लड़ाई हुआ है, उनसे अपील किया गया होगा। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सहयोग प्रदान नहीं करना चाहते हैं, और मुझे ऐसा जानकारी में नहीं आया कि कहीं कोई किसी से विवाद हुआ है, और यदि कोई ऐसा कहते हैं तो ये उनका षड्यंत्र है। भूपेंद्र गुप्ता जी, अनूपपुर की तस्वीर है, आपके विधायक नेतृत्व कर रहे थे, आपने तस्वीर देख लिया, प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए जो तस्वीर है उसको कहीं इनका दिखाई नहीं पड़ रही है, वो जो सज्जन सर आपने चीखते हुए लोगों को देखा, उसके आधार पर मारा गया, कोई इसमें बातचीत नहीं कर सकता हूँ। नहीं, हजारों जगह मारे जा रहे हैं, क्या आपको लगता है हरियाणा में नहीं मारे गए थे जाट आंदोलन में? कहाँ थे तब लोग? वहाँ की हिंसा को किसने जस्टिफाई किया था? सर आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, आंदोलन कैसे हो जाए, हरियाणा में लोग मारे गए, एमपी में मारे जाएंगे, इस बात की शर्त? हाँ मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, तो घुसने मारे जाएंगे नहीं, उसमें घुस के कौन आदमी भड़का रहा है, इसकी सरकार का काम है वो आइडेंटिफाई करे और उनको कानूनन उनके ऊपर जो है जुर्म कायम करे, ये सरकार का काम है। इसमें ये ढूंढने की कोशिश क्यों हो रही है कि ये इसने करा? आपके विधायक जी मेला घूमने गए थे क्या वहां पर? रिवाल्वर चला के विधायक जी मेला घूम रहे थे आंदोलन में, वो नहीं बताएंगे आप? विधायक जी, विधायक मैं आपको बीजेपी के एमएलए की तस्वीरें भिजवा देता हूँ, मैं आपको बीजेपी के एमएलए की तस्वीरें भिजवा देता हूँ, इसी भाषा के साथ आप दिखाइएगा, मैं आपको भेज दूंगा। तो किसका इंतजार कर रहे हैं? आपको भेजना चाहिए, ये ऐसी बातें मत करिए। ये किसका? बिल्कुल भेज दूंगा आपको। आप जो ये देश में जिस तरह की आग लगी है उस आग को और जो है चिन्हित और एक तरफा करने की कोशिश मत। एक तरफा नहीं सर, हम दिखाना चाह रहे हैं कि राजनीतिक वर्ग इतना मजबूर अपने आप को कर रहा है कि सर कोई बोलने को तैयार नहीं कि आप लोग हिंसा मत करिए। छत्तीसगढ़ में आपके सहयोगियों ने कहा कि हम बिना शर्त के समर्थन देते हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं सर? क्यों बिना शर्त कैसे आप समर्थन दे सकते हैं? हिंसा का विरोध तो होगा। हम समर्थन दे रहे हैं उनकी मांग के लिए, और उसके लिए हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिया है। हम क्या गलत कह रहे हैं? आप जो हम आंदोलन में ना शामिल हैं, ना हम आंदोलनकारियों की हिंसा का समर्थन कर रहे हैं, हम तो उनकी मांग के समर्थन कर रहे हैं, वो जायज है। राष्ट्रपति को हमने लिखित में ज्ञापन दिया, उससे हम पीछे थोड़े। हमारा सवाल इसलिए क्योंकि जब आपके विधायक प्रस्तुत करके जब आपके विधायक जाकर दुकान बंद करवाते हैं आंदोलनकारियों के साथ, बिल्कुल ठीक है, अधिकार की बात होनी चाहिए, लेकिन फिर उनकी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि हिंसा हो तो उन्हें रोकना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर मोहन लाल पाटिल जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि संवैधानिक अधिकार है सभी का कि लोग प्रदर्शन करें, अपने हितों के संरक्षण की बात करें, संघ बनाएं और पूरे देश में आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी आज हुआ क्या वो ठीक था? हक के नाम पर हिंसा होनी चाहिए थी क्या? मोहन जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। आरपी सिंह जी, आपका भी बयान हमने सुनवाया, आपने कहा कि कांग्रेस बिना शर्त के इस पूरे आंदोलन का समर्थन करती है। सर
बिना शर्त कैसे आप समर्थन कर सकते हैं? कम से कम हिंसा तो लगा देते कि हिंसा नहीं मानेंगे हम, हिंसा अगर आप करेंगे तो हम नहीं देंगे समर्थन। अवधेश जी, मैं जानता था ये प्रश्न मुझसे पूछा जाएगा। हमने जब ये कहा कि हम निःशर्त समर्थन देते हैं, इसका मतलब इसके पीछे कोई सौदेबाजी नहीं है जैसा कि बाकी लोग करते हैं या करते होंगे। हमारा निःशर्त समर्थन इस बात पे था कि जो कानून कांग्रेस के रिजिम में बना है, जो कांग्रेस ने कानून बनाया है, वो दलितों के हितों की रक्षा करता है। अगर उसमें कोई संशोधन हुआ है और दलित समाज को ये लगता है कि ये हमारे मूल जो कानून, जिसका एक संवैधानिक ढांचा, जिसका अपना जिस कानून के प्रति हमको रक्षा मिली हुई थी, उसमें कहीं थोड़ा सा ढील हो रही है, तो वो ठीक किया जाना चाहिए। मेरा सवाल बड़ा छोटा सा ये है भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से, हमारे प्रदेश में अभी तक भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि आया नहीं आपके स्टूडियो में, फिर भी जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए मैं भोपाल में हमसे जवाब लेंगे सर, आप सवाल पूछिए, साथी बैठे हैं बीजेपी के, वहां उसका जवाब दे देंगे। बिल्कुल, देखिए 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि ये संशोधन इसमें किए जाते हैं। 13 दिन बीत जाते हैं साहब, आखिर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन जो आज लगाई गई थी वो इस 13 दिन में क्यों नहीं लगाई गई? 20 मार्च को साहब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, कांग्रेस पार्टी इसमें संशोधन की मांग करती है, कांग्रेस पार्टी धरना देती है और कांग्रेस पार्टी महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपती है। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो माननीय उच्चतम न्यायालय नोटिस जारी करके केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखने को कहता है, लेकिन सरकार वहां भी चूक जाती है। तो आपकी मंशा क्या थी? आप खुद कहते थे कि हिंसा भड़के, आपने कोई भी ऐसा कृत्य किया कि हिंसा न भड़के? यदि दलित समाज आए आज आंदोलन उतरा तो आप रिव्यू पिटीशन के लिए आज चले गए? आप 13 दिन में नहीं, सरकार ने तो कल कह दिया था कि आप जा रहे हैं, एक सौहार्द का वातावरण बनाते थे, दिन देखना नहीं पड़ता। ठीक है गिरिजा शंकर जी, अब जो भी तस्वीर बनी है, पहली बात तो ये है कि जो भी गाइडलाइंस आई थी वो सुप्रीम कोर्ट की आई थी, उसके बाद कल सरकार की तरफ से कहा भी गया कि वो रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे। अब इन सब के बीच जिस तरीके से आज आंदोलन हुआ, आंदोलन हिंसक हुआ और मध्य प्रदेश में 5 निर्दोष लोगों की जान गई, सर यहाँ पर गलती किसकी है? ये राजनीति हो रही है क्या? सियासी साजिश की भेंट आंदोलन चढ़ गया? आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था जी, उस फैसले को लेकर दलित वर्ग में और बहुत सारे दूसरे वर्ग में समाज के इसको लेकर एक असहमति थी और ये माना गया था कि उससे जो संरक्षण दलित वर्ग को आदिवासी वर्ग को दिया गया है वो संरक्षण समाप्त हो रहा है। बहुत सारे गैर दलित गैर आदिवासी जो लोग हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो उनके हक में नहीं है। सरकार के मंत्री आज केंद्र सरकार के मीडिया से मुखातिब होते हुए ये बताते हुए कि हमने रिव्यू पिटीशन दायर कर दिया है और ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं, हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते। ये बात यदि वाकई 10-12-13 दिन बाद पहले जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया यदि कह दिया जाता तो शायद है दलितों में इतनी नाराजगी नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यदि सरकार खुद ये मानती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दलितों और आदिवासियों के संरक्षण के अधिकार में कटौती हो रही है तो फिर सबसे पहले इस वर्ग को अपने कॉन्फिडेंस में लेना था और उनको ये बताना था कि हम भी आपके साथ हैं और इसमें जो भी संशोधन करना होगा, चाहे अध्यादेश लाना होगा या रिव्यू पिटीशन लाना होगा, वो हम करेंगे और उसमें इतना विलंब नहीं करना था, पहली बात। दूसरी बात, जो हिंसा की आपने की, ये जो पूरा आंदोलन जो हुआ है मुझे अभी तक बहुत ठीक ठीक नहीं मालूम कि इस बंद के आयोजन का के आयोजक कौन सी संस्था या कौन सा ग्रुप है और उनका कौन सा नेता है। यदि जब किसी भी ऐसे बड़े आंदोलन जो देशव्यापी हो रहे हैं यदि वो एक संगठित किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक लीडरशिप के अभाव में जब होता है तो इस बात की आशंका हमेशा बनी रहती है कि वो अनियंत्रित हो जाए। ऐसे में जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है या जो सुरक्षा की जो जिम्मेदारी जिन सरकारों पर है ये उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे आंदोलन या ऐसे बंद या ऐसे किसी भी तरह की जो गतिविधियां हैं उसको लेकर बहुत सारी सतर्कता पहले से बरते।
यदि आज मैं दोपहर में सुन रहा था कि पुलिस अफसर का बयान कि 3-4 बजे कि हम पुलिस फोर्स भेज रहे हैं, बिल्कुल, यदि ये पुलिस फोर्स कल भेज दिए होते और सुबह से वो तमाम व्यवस्थाएं होती तो शायद है ये हिंसा नहीं होगा। बिल्कुल, ये सवाल है, आप देखिए सूरज केरोजी आपसे इस सवाल का जवाब लेंगे कि क्या आप लोग परिस्थितियों को समझ नहीं पाए या फिर आप लोग किसी मजबूरी के चलते इसको समझना नहीं चाहते। और सवाल ये भी उठेगा कि ठीक है, माना कि SC ST को सशक्त करना है, लेकिन जिस चीज को लेकर आंदोलन हो रहा है उसको लेकर भी कई सवाल उस वर्ग से उठ रहे हैं जो टकराव की स्थिति बन रही है। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, सारे मेहमान हमारे साथ बने हैं, ब्रेक से लौटेंगे तो एक बार फिर से चर्चा होगा बढ़ाएंगे। तो SC ST एक्ट के प्रावधानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई, दलित संगठनों ने बंद किया लेकिन बंद के नाम पर हिंसा हो गई और मध्य प्रदेश में 5 निर्दोष लोग मारे गए। सवाल कई हैं कि आखिर इस तरीके के हालात क्यों बने। लगातार हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं और चर्चा में 2 मेहमान हमारे साथ और भी जुड़ रहे हैं, नरेश गुप्ता जी प्रवक्ता BJP और हमारे साथ अजय शाह मकराई जुड़ रहे हैं अध्यक्ष MP ST विभाग। आपका भी स्वागत है, लेकिन सूरज केरोजी आपके पास आना चाहते हैं। जो सवाल उठ रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस सामने आ गई थी उसके बाद आपको रिव्यू पिटीशन दाखिल करना था तो उसमें वक्त क्यों लगा। और दूसरा सवाल ये कि जब बार बार दलित संगठन कह रहे थे कि हम मैदान में उतरेंगे ही, आपको भी अच्छा खासा आपकी सरकार को प्रशासनिक अनुभव है कि आंदोलन हो रहा है तो ये भिदक सकता है, लेकिन जब 3-4 लोग मार दिए जाते हैं तब आप लोगों की तरफ से कहा जाता है कि फोर्स भेज रहे हैं, सर आप दोनों जगह से चूक गए। ऐसा नहीं श्रीमान, सभी तरह का प्रशासन पूरा पुख्ता इंतजाम करता है ऐसे हालातों को देखते हुए, और अनुसूचित जाति वर्ग के हितों की चिंता जितनी भारतीय जनता पार्टी करती है मैंने समझता हूँ किसी और पार्टी ने आज तक किया होगा। सर प्रदेश की जनता के हित इसमें भूल गए क्या आप लोग? बार बार आप कह रहे हैं कि अनुसूचित जनजाति की आप चिंता करते हैं, इतना बड़ा आंदोलन हो रहा था तो प्रदेश की जनता के हित कैसे भूल गए आप लोग? इसमें श्रीमान जी जैसा कि आपने बताया है, जैसे ही ये जब सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया उसके बाद तुरंत हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग एक्टिव हो गए थे, और एक्टिव होने के बाद तुरंत उन लोगों ने ये निर्णय लिया कि हमें इसका एक पुनर्विचार के लिए अपील करना चाहिए, और उसका एक प्रस्ताव बना करके मैंने जैसा बताया आपको कि न्याय विधि मंत्रालय को भेजा, और न्याय विधि मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को पास भी किया, और उसके बाद में तुरंत एक्शन लेकर के आज हलफनामा पेश भी हुआ और उसकी सुनवाई भी हुई, इसके परिणति आपके सामने आई है। मैं बताना चाहूंगा आपके लिए कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति एवं हमारे वर्ग के लोगों की चिंता जितनी पार्टी हमारी करती है मैंने समझता हूं कि किसी ने आज तक की होगी। हमारे महापुरुषों, हमारे आराध्य देव हों, उनकी सम्मान में उनकी यादों को चिरस्थाए रखने के लिए जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किए किसी ने नहीं किए। घटना कैसे घटी, क्या घटी, ये आप भी समझ सकते हैं कि आज की तारीख में ऐसे कई असामाजिक तत्व और ऐसे कई षड्यंत्रकारी यहां पर मौजूद रहते हैं, और ऐसे हालातों का फायदा उठा करके कुछ न कुछ ऐसा घटनाक्रम घटित हो जाता है जिसको जिसका सामना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें भी मैं यही कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में जो है कई पार्टियां ऐसी हैं जो वास्तव में सत्ता के लिए ललचा रही हैं, जो उनको देखा ही नहीं जा रहा है कि मतलब आज भारतीय जनता पार्टी ये राज कर रही है और इतने अच्छे से काम कर रही है, इतने अच्छे से काम कर रही है कि आंदोलन हुआ और 5 लोगों की मौत हो गई, गोलियां चल गई खुलेआम। नितिन बंसाली जी, श्रीमान जी, क्या वाकई ये सियासी तौर पर लालच है, इसके पीछे क्या है वो जांच का विषय है। इसके पीछे कौन है, कौन षड्यंत्रकारी है, कौन साजिशकारी है, कौन सी किन लोगों का दिमाग इसके पीछे लगा हुआ है, जांच करते रहेगा, कमेटियां बनती हैं, उनकी रिपोर्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नितिन बंसाली जी, पार्टी के खिलाफ में इसको ले जाना, क्या ये पूरा आंदोलन सियासी महत्वाकांक्षाओं की भेंट चढ़ गया और उन पर कार्रवाई करने की आवश्यकता, उन पर कार्रवाई होगी भी? बिल्कुल नहीं, हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, क्षेत्रीय दल की बात करेंगे, प्रदेश की बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में हो कि प्रदेश में, वो जो वादे करती है वो तो वो पूरा कर नहीं पाती, लेकिन जो वादे वो नहीं करती वो कहां कहां से बीच में इस तरीके की चीजों को लाकर भाई को भाई से लड़ाना, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो शासन करो, इन नीतियों पे काम करती। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में भी भू राजस्व संशोधन संहिता कानून एक इन्होंने लागू करने की पूरी तैयारी
कर ली थी, जिसमें कि जो आदिवासी भाइयों के दलितों की जो जमीन होती है उसको आपसी सहमति से बेचने का पूरा इन लोगों ने प्लान बना लिया था। विपक्ष की जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के हमारे सुप्रीमो आदरणीय अजीत जोगी जी के नेतृत्व में इसके खिलाफ पुरजोर आंदोलन चलाया गया। इसके बाद इस सरकार ने इस अधिनियम को वापस लिया। इसमें भी एक बहुत बड़ी गणित ये थी कि इन दलितों की, आदिवासियों की, एसटी एससी भाइयों की जमीनों का त्याग कर अंबानी और अडानी जैसे लोगों को बेचे जाने की तैयारी इस सरकार ने कर ली थी, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ में आज मैंने एक चीज देखी कि छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से प्रदेश की जनता ने आज बंद को समर्थन दिया। हमने भी निष्पक्ष समर्थन दिया था। छत्तीसगढ़ में किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई। और जिस प्रकार अभी आदरणीय हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि कोई षड्यंत्रकारी बीच में घुस जाता है और ये सब करते हैं, तो इनका खुफिया तंत्र कहाँ है? 5 लोगों की जाने गई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बहुत सारे प्रश्न है कि जुमलों से निकलकर बाहर ये सरकार जो है जमीनी स्तर पर कोई काम करना नहीं चाह रही। और ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी थी इस कानून के चेंजेस से, मुझे ये बात अभी तक के कहीं समझ में नहीं आई। एससी भाइयों के लिए एक छोटी सी लाइन जरूर कहना चाहूंगा कि सितारों से आगे ये जहां और भी है, अभी जंग में इंतहा और भी है। तो हम क्षेत्रीय पार्टी के एससी हमेशा इस वर्ग के साथ खड़े रहे हैं। सर, वर्ग के साथ खड़े रहिए पर बख्श दीजिए, इंसानियत को जंग मत करवाइए। अजय शाह मकराई जी, सवाल आपसे ये है कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्वीट करके बोलते हैं कि जो आंदोलन हो रहा है, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको हम सलाम करते हैं, आप लोग बिना शर्त के समर्थन भी दे रहे हैं सर, लेकिन जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्य जल रहे थे, आगजनी हो रही थी, फायरिंग हो रही थी, आप या आपकी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता इस अपील के साथ सामने क्यों नहीं आया कि हिंसा मत करिए? सर, कितने मजबूर हो गए थे आप लोग? अजय जी, देखिए, अजय शाह मकराई जी का सवाल था, अजय शाह जी आपके पास आते हैं। अच्छा अच्छा, अजय शाह जी, आप लोग हिंसा के खिलाफ अपील क्यों नहीं कर पाए? किसका डर था? शायद अजय शाह जी हमें सुन नहीं पा रहे हैं। गिरिजा शंकर जी, लेकिन जो तस्वीर है, यहां पर एक सवाल और भी उठ रहा है। बार बार ये बात कही जा रही है कि एसटी एससी वर्ग जो है उसके अधिकारों की हम बात करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी उन गाइडलाइंस पर भी चर्चा करना जरूरी हो जाता है। क्या आज के दौर में यह प्राकृतिक न्याय के खिलाफ नहीं है कि एक व्यक्ति आता है, सामने वाले को कहता है कि इसने हमें गाली दिया, जात सूचक शब्द कहा, और बिना जांच के आप पकड़ के उसको जेल के अंदर कर देते हैं? सर, क्या इस तस्वीर में सामाजिक तौर से समानता की बात कर सकते हैं? क्या वैमनस्य मिट पाएगा अगर ये हालात रहेंगे तो? कब तक चलेगी ये व्यवस्थाएं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मैं कोई टिप्पणी दो लाइन में नहीं कर सकता, इसका एक पूरा विश्लेषण की जरूरत है। और जिन जिन प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने कर्टेल किया है उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, ये तमाम चीजें देखने की है। सवाल मेरा ये था कि आज के जो अधिकतर शिकायतें आई वो झूठी साबित हो रही थी, इस आधार पर गाइडलाइन आई थी। ये सवाल है कि अगर बार बार ये चीज सामने आ रही है कि कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है, मैंने आपसे वही कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो भी उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया है दो लाइन में टिप्पणी नहीं हो सकती। वो मुकदमे कितने फर्जी हैं, कितने नहीं है, इन्वेस्टिगेशन कितना होता है, कन्विक्शन कितना होता है, उन तमाम पर लंबी बहस की जरूरत है, लंबे विश्लेषण की जरूरत है। दिक्कत दरअसल यह है कि आज जो हिंसा हुई वो उसमें मध्य प्रदेश सबसे अधिक प्रभावित रहा। 5 या 6 लोग यहां पर जिनकी मृत्यु हुई इस हिंसा में, और हिंसा का एक पहलू जो है, जो बंद का समर्थन करते हुए जो बंद करा रहे थे या बंद के समर्थन में सड़क में थे, उनका विरोध करने वाला भी एक गुट सामने था, और दोनों के बीच जो टकराव हुआ उसने एक बड़ी हिंसा को जन्म दिया। ये टकराव आखिर कैसे हुआ, कौन लोग थे जो इस बंद का विरोध कर रहे थे और उनके साथ उनकी झड़प हुई, और वहां पर पुलिस या जो सुरक्षा बल है वो कहां था, इन तमाम चीजों को देखने की जरूरत है एक तरफ तो। दूसरी तरफ ये है कि दलित वर्ग के साथ
बहुत सारी जो मतलब जो पार्टियां हैं वो उनके उन हकों या उन हितों को लेकर बहुत उनसे सहमत नहीं होते, लेकिन ये वोट की राजनीति है कि चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी दलित वर्ग के खिलाफ भले ही उनका कन्विक्शन वो हो लेकिन वो सार्वजनिक रूप से ग्रुप में आने को अहम सवाल यही है कि क्या राजनीति इतनी बेबस हो गई है इस तरह के आंदोलन कि वो आग लगते हुए भी देश में देख सकती है, आंतरिक सुरक्षा को बर्बाद होते हुए देख सकती है, सामने रखना चाहिए, दलित वोट बैंक नहीं खिसकना सकना चाहिए। डॉक्टर मोहन लाल पाटिल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं दलित चिंता के, सर आपका बहुत स्वागत है चर्चा में। मोहन लाल जी, ये वो वर्ग उतरा था सड़कों पर जिसका कहना था कि हम पर अत्याचार हुआ है, हम अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं के बल पर नहीं कर सकते, इसलिए जो एसटी एक्ट है उसमें आप किसी प्रावधान में तब्दीली मत करिए। सर अगर ये वर्ग इतना कमजोर है, अगर ये वर्ग इतना मजबूर है, तो सर हक मांगने के नाम पर गोली चल गई, आग लग गई, कहां से इतनी अचानक से ताकत आई? ताकत इसलिए आई कि पिछले कई अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ में कोर्ट के डिसीजन का बहाना देकर उनके साथ अन्याय करने का प्रयास कर रहे हैं। पदोन्नति में आरक्षण का लोगों ने पिटीशन दायर किया, सरकार ने, लेकिन पदोन्नति में आरक्षण का अभी तक मसला हल नहीं हुआ। अच्छा, अभी एक मसला हल नहीं हुआ, दूसरा एसटी कानून उसमें बदलाव करने की मजिस्ट्रेट ने सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके हितों की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचा। अच्छा, तो फिर सड़क उतरेंगे आंदोलन के लिए नहीं लगा देंगे, ये स्वयं स्फूर्ति से पूरे स्वयं स्फूर्ति से सामने आए हैं, गोली नहीं मार देंगे। कुछ लोग मार दिया सर, पांच लोग मर गए, गरीब लोग है वो, मार दिया होगा तो जिसने भी गुनाह किया हम हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि हम लोग हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं, हम अपने हकों के लिए सड़क पे उतरना चाहिए, हमारा अधिकार है वो, हम लोग अपने बातों के लिए सड़क पे उतरे। सर आपको अधिकार तो संविधान ने हर नागरिक को दिया है, लेकिन आप सड़कों पर उतरे, राइफल लेकर उतरे, पिस्टल लेकर उतरे, तलवार लाठी डंडे लेकर उतरे, आगजनी लेकर उतरे, गुंडों को लेकर उतरे, सर ये कौन सा मांगने का तरीका होता है, ये कौन सा दलित चिंतन है? नहीं 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 नहीं, वो आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं, तलवार इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे हैं, उतरा तस्वीर दिखा रहे हैं कि हम अपने शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, कुछ लोगों ने वहाँ पे जबरन अपना विरोध दर्ज करने के लिए, हम लोगों ने आंदोलन नहीं करना चाहिए, कुछ लोग आए होंगे लेकिन उसमें हमारे लोगों ने किया ऐसा मेरा विश्वास नहीं, क्योंकि कितने नेता सार्वजनिक पटल पर आए और अपील की राष्ट्रीय स्तर पर कि आप लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करिए, कितने नेता आए? मैं मानता हूं कि राजनीतिक दल तो फिर भी कुछ बोल गए, आप लोग कहीं नहीं बोले कि हिंसा मत करिए। नेताओं का आंदोलन था ही नहीं, ये नहीं नहीं, नेताओं का कोई आंदोलन था ही नहीं, ना किसी नेता ने आंदोलन करने के लिए किसी से कहा, ये सोशल मीडिया पर एक चला कि 2 अप्रैल को बंद है जी। पूरे देश के अंदर में 2 अप्रैल की बात हुई है और 2 अप्रैल को अचानक पूरे देश में आंदोलन हुआ और शासन को पता ही नहीं चला, शासन ने कभी किसी लोगों को बुलाया नहीं बातचीत करने के लिए कि ये क्या हो रहा है, हम आपके लिए क्या करना चाहते हैं। आंदोलन जो होने की बात आई तो कह रहे हम लोग पिटीशन दायर करेंगे, मध्य प्रदेश सरकार में तो अभी आज ही सीएम ने बोला कि हम पिटीशन दायर करेंगे, पहले क्यों नहीं बोला? तो दलित अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, इसलिए उनको सड़क पे डॉक्टर मोहन जी आपसे आखिरी सवाल हुई उसका निश्चित सरकार ने कल ये साफ कर दिया था कि आज वो रिव्यू पिटीशन लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, फिर ये तमाशा क्यों हुआ पूरे देश में? 24 घंटे बर्दाश्त नहीं हो सकता था, आप लोगों से गोलियां चलवा दी गई, सरकार इसमें लेट हुई है। हेलो, नहीं नहीं, गोलियां चलवाई को हमारे लोगों ने नहीं चलवाई, किसी असामाजिक तत्व उसमें शामिल होंगे उन्होंने, सर ये बढ़िया बात है, आप लोगों का हो सकता है राजनीतिक फायदे, आप भीड़ इकट्ठा करिए तो आपकी और गोली चलाएं तो असामाजिक लोग, तो पहली बार देश के अंदर में पहली बार दलित समाज के लोग बगैर नेतृत्व के, बगैर किसी के कहने से, अगर सभी महिला पुरुष और हमारे एससी एसटी के जो लोग सरकारी नौकरी में काम करते उनने छुट्टी लेके इस आंदोलन में शामिल है, ऐसी आवश्यकता दलितों को क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, और ये आंदोलन शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, सरकार अभी भी अगर सरकार ने बराबर ठीक से न्याय करने का प्रयास नहीं किया तो शहरों का आंदोलन गांवों तक जाने वाला है। सर क्या गांव में भी गोली चलेगी, आग लगेगी, गांव भी नहीं छोड़ेंगे? गांव में गोली नहीं चलेगी, अगर सामने वाला गोली चलाएगा तो बात अलग है, दलित वो ऐसे गरीब लोग हैं उनके पास कहां से बंदूकें आई।
ठीक है, गोली तो छानने वाला चलाएगा ना, हम तो गोली खाने के लिए तैयार है। वाह सर, बालकनी में खड़े खड़े लोग गोली का शिकार हो गए, मर गए और वो गोली चलाने चले। सर कुछ तो कम से कम ये स्थिति रखिए कि जिन लोगों के परिजन मारे गए हैं उनको ठेस न पहुंचे, ठेस बहुत ज्यादा पहुंच गई है। नरेश गुप्ता जी, जब सब कुछ तस्वीर साफ थी कि एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, किसी भी समाज के आदमी, आप लोग कितने मजबूर थे? बहुत निंदनीय है। क्या तैयार नहीं थे आप लोग? तो कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। देखिए अवधेश भाई, मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं, मुझे जानकारी थी कि 8 बजे आपका प्रोग्राम है, फिर जानकारी आई 8:30 बजे है। मेरे भाई आरपी सिंह जी ने कहा कि ये आए नहीं है, तो लेट आने का मूल वजह जो है आपके शेड्यूल में चेंज होना था, जिसकी वजह से मैं लेट आया। ठीक है सर, मुद्दे पे आते हैं, छोड़ दीजिए। देखिए एक मैंने मुद्दे पे ही आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सरकार को पूरा एनालिसिस था, लेकिन उससे कुछ असामाजिक तत्व घुस जाएंगे जो अंडू तरीके से उस समाज के को बदनाम करने की साजिश की है कुछ लोगों ने, मुझे जो समझ में आता है। इस आंदोलन को बदनाम कर पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए, जो एक और आंदोलन में मध्य प्रदेश में कुछ समय पूर्व हुआ था, ऐसा प्रयास कुछ लोगों ने किया है, मुझे यह समझ में आता है, क्योंकि मध्य प्रदेश ने पहले भी किया था। तो सरकार अच्छा तो नहीं किया, किसने बदनाम किया? लेकिन बजरंग दल की कैसी का चला, कोई बजरंग दल वालों ने बदनाम कर दिया क्या? बजरंग दल, मैंने बताया कि कुछ राजनीतिक दल के लोगों ने किसान आंदोलन को भी इसी स्वरूप में ले जाने का प्रयास किया था। ठीक है, आरपी सिंह जवाब देना चाहते हैं। आरपी सिंह जी, बात किस चीज पे आ? देखिए अवधेश भाई, सारी चर्चा में कुछ बातें अभी तक नहीं आई हैं, तो मैं चाहता हूँ समय कम, इसलिए वो बातें सामने आ जाए। बता दूं, डॉक्टर अंबेडकर यदि इतने हटेशी थे, तो डॉक्टर अंबेडकर को 1947 से लेकर 1990 तक आपको भारत रत्न और भारत रत्न अवार्ड किसने दिया? ये डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है। अवधेश जी कल्पना करिए। अभी छोड़ देते हैं, अभी 5 लोगों की मौत हुई, आंतरिक सुरक्षा बड़ी संकट है सर, वोट बैंक की बातें बाद में आप लोग साथ दीजिएगा। आरपी सिंह जी कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते हैं। आरपी सिंह जी बोलिए। सारी चर्चा में जो बातें सामने नहीं आई थी वो मैं कहता हूँ। देखिए आदरणीय गिरिजा शंकर जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद केंद्र सरकार ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया था, इसको लेकर दलित समाज में ये चिंता अवश्य थी कि हमको जो कानूनी संरक्षण मिला हुआ है उसमें कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हो रही है, और ये जो मानसिकता दलित समाज की बनी है वो क्यों बनी, मैं आपको बताता हूँ। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आरपी सिंह जी, लेकिन एक सवाल फिर मेरा मिलेगी, आप जवाब दीजिएगा। अगर दलित समाज को अपने अधिकारों को खोने का डर था, तो इन्होंने जाकर सुप्रीम कोर्ट में इनको जाकर अपील करनी चाहिए थी। सर सड़क पर उतर कर गोली मार देंगे क्या किसी को? मैं जो कह रहा हूं, ये तो आप लोग उनको मार्गदर्शन कर सकते थे। आपके सवाल का जवाब दूंगा, सुन लीजिए। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसकी रिपोर्ट मेरे पास है, ये बताता है कि इस देश में दलितों के ऊपर अत्याचार की दर 22.3% है, लेकिन जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां दर क्या है? राजस्थान में 57% है, गोवा में 51% है, बिहार में 38% है, मध्य प्रदेश में 36% है और छत्तीसगढ़ में 31% है। यानी 23% जो राष्ट्रीय दर है दलितों के ऊपर अत्याचार का, उससे भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वहां वहां दर ज्यादा है। यही वजह है जब केंद्र सरकार अपना रुख स्पष्ट नहीं करती है, तो दलित समाज के मन में ये बात आती है कि ये कानून छेड़छाड़ हो रही है, वो हमारे संवैधानिक संरक्षण जो है, जो कानूनी संरक्षण मिला हुआ है, उसको कहीं ना कहीं छीनने की कवायद है। अभी तक बीजेपी के किसी मित्र ने मेरे इस बात का जवाब नहीं दिया कि 20 मार्च को जब फैसला आता है तो 13 दिन तक सरकार क्यों सोती रही? क्या दलित समाज के लोगों को उठा के बात नहीं की जा सकती? नहीं, सूरज केरोजी ने जवाब दे दिया उसका, सूरज केरोजी ने बताया है इस पर विचार विमर्श हुआ, उसको विधि मंत्रालय को भेजा गया, उसके बाद ये कवायद आगे बढ़ाई। आरपी सिंह का जवाब मिल गया। अवधेश भाई, ये वही लोग हैं जिन्होंने हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाया, अब दलितों को गैर दलितों से लड़ा रहे हैं। ये सब मिला के कहानी बड़ी साफ है, ये लोग न राम के हैं न आवाम के हैं, सिर्फ नागपुर। नहीं सर, उस खेल में तो आपकी पार्टी भी शामिल है। कर्नाटक में एक संप्रदाय को धर्म बनाने की कोशिश कैसे चल रही है वो पूरे देश में जग जाहिर है। गिरिजा शंकर जी, लेकिन इन सब के बीच तस्वीर अब क्या बनेगी? इसका रिपोर्ट पूरा देश, जो कुछ भी आज हुआ है सर, क्या ये राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी नहीं थी
कि एससी एसटी वर्ग को समझाते कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइन दी है तो आप सुप्रीम कोर्ट ही जाइए, आप सड़क पर ना उतरिए, केवल सियासत हो गई। एसटी एससी को दिए जाने वाले आरक्षण में कटौती की जो गई। विजय शंकर जी, हाँ जी, देखिए एक तो पहली बात यह है जो बार बार ये बात आ रही है कि आंदोलनकारियों ने गोलियां चलाई और हत्या की, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि जो 5-6 लोग जिनका निधन हुआ है, जिनकी मौत हुई है, वो किसी गोली से हुआ है। दूसरी बात यह है कि सारे पॉलिटिकल पार्टी और सारे लोग जो ये बात कह रहे हैं कि कोई असामाजिक तत्व होगा जिसने ऐसा किया होगा, ये बहुत ही मैं नहीं समझता कि बहुत जिम्मेदाराना बयान है। होना यह चाहिए था कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपने कन्विक्शन के मुताबिक दलितों के, आदिवासियों के इस मांग का समर्थन भी करना था, उनके आंदोलन का समर्थन भी करना था और इस बात को भी सुनिश्चित करने की कोशिश करनी थी कि वो आंदोलन हिंसक न हो। बिल्कुल। लेकिन यहां ये भी देखिए कि उसको हिंसक होने की स्थिति कब आई, जब उस बंद कराने वाले आंदोलनकारियों का विरोध करते हुए एक वर्ग आया, पॉलिटिकल वर्ग, और उन दोनों के बीच संघर्ष हुआ, तो ये इन स्थितियों को टाला जा सकता था। मेरा ये मानना है कि प्रशासन के स्तर पर थोड़ी सतर्कता और बरती जाती, थोड़ा सा उनका एंटिसिपेशन सही होता तो ये तमाम जो हिंसा की बात है वो शायद मेरे ख्याल से उसको रोका जा सकता था, जिसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है। बिल्कुल, इसमें चूक हुई है। अजय शाह मकराई जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में, अध्यक्ष हैं एमपी एसटी विभाग कांग्रेस के। मकराई साहब, जो कुछ भी तस्वीर सामने आई है इसमें जिस तरीके से एक हक का आंदोलन हिंसा में बदल गया, क्यों सर ऐसा हो गया? हक मांगने उतरे थे वो लोग थे जो अपने अधिकारों में संरक्षण चाहते हैं, लेकिन फिर कैसे वो पूरी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन गए? अब ये रिएक्शन एकाएक नहीं आया है, ये हम आदिवासी और दलितों के लिए एक सेकेंड टर्निंग पॉइंट था रिजर्वेशन के बाद, जब राजीव जी ने हमें एक प्रोटेक्शन दिया था, एक शील्ड दी थी। जब इसको शील्ड को, वैसे भी हम बहुत ज्यादा दलित हैं, बहुत ज्यादा मायूस हैं इस संविधान में पूरी व्यवस्था के चलते, उस पर जो प्रोटेक्शन हमें दिया गया था, संवैधानिक व्यवस्था पार्लियामेंट ने हमको दी थी, वो अगर छीने जाएंगे तो हम अपने हक और हुकूक के लिए हम दंगा करने नहीं निकले थे, हम गुहार लगाने निकले थे, हम लोगों से भीख मांगने निकले थे कि हमारा संवैधानिक अधिकार आप क्यों छीन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा एससी और एसटी के सांसद और विधायक बीजेपी के पास है, सबके मुंह में ताले लग गए हैं। मैं उनको जगाना चाहते थे, उनका जमीन जगाना चाहते थे, उठिए अपने समाज के लिए, जिस समाज से आप चुन के आए हैं, जिसके नाम पे आप यहाँ पे ऊपर बैठे हुए हैं, उसके लिए खुदा के वास्ते कुछ तो कीजिए। हम अजय शाह जी, मुझे याद आ रही है वो तस्वीरें उज्जैन महाकुंभ की, कहा जब समरसता स्नान का आयोजन किया गया तो आपने जबरदस्त विरोध किया था। सर, समरसता की बात की जाए तो आप विरोध करेंगे, और जब आंदोलन में गोली चल जाए तो कुछ और हो जाएगा। सर, क्या आप लोगों का भी जो हित है वो सेलेक्टिव है, क्या सेलेक्टिव बातें करते हैं? नहीं, समरसता का हम कभी विरोध नहीं करते, हम तो वो लोग हैं जो समरसता चाहते हैं, मैं और मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी समरसता के ही। सर, फिर गोलियां कैसे चल गई आपके आंदोलन में? सिख, ईसाई, सब मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आप बताइए, हम अपने हुकूक के लिए गुहार लगाने बाहर जा रहे हैं कि कोई गोली दूसरा कुछ आके, ये जानबूझ के षड्यंत्र है हम लोगों को बदनाम करने का, ये और सबसे बड़ी आईबी का फेलियर है। सरकार क्या कर रही थी, क्या उसके पास इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था? और मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, 20 तारीख को ये निर्णय हो गया, रिव्यू पिटीशन दायर करेगी, दूसरे तीसरे दिन सरकार ने क्यों ऐलान नहीं किया कि रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे? क्योंकि उसे डर था कि वह ऐसा कहेगी तो उसके सवर्ण वोट पे क्या बोलते हैं, उसको डर था वो छिन जाएगा, चला जाएगा। अच्छा। तो वो लोग चाहते हैं बीजेपी वाले कि सवर्ण वोट भी रहे और दलित वोट भी रहे। ठीक है, मतलब वोट बैंक की राजनीति है। डॉक्टर मोहनलाल पाटिल जी, बहुत वक्त कम है, आपसे एक सवाल कि जिस तरीके से आप लोग का आंदोलन चल रहा है और जिस तरीके से आप लोग हक की बात कर रहे हैं, ठीक है छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए किसने गोली चलाई किसने आग लगाई, क्या आप लोगों के नाम पर राजनीति हो रही है?
बीजेपी और कांग्रेस या फिर और भी जो दल हैं केवल राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोगों को? नहीं, दोनों राजनीतिक दल हमेशा दलितों को वोट बैंक के रूप में देखते हैं और काम कम करते हैं, बातें ज्यादा करते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि ये कानून बनाने की आवश्यकता क्यों इसलिए पड़ी थी कि दलितों पर अत्याचार थम नहीं रहे थे, पूरे देश में अत्याचार हो रहे थे। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय ने इसलिए किया है कि बहुत सारे प्रकरण झूठे निकले। अरे तो जिसका पहली बात तो उनको थाने में जाने के बाद में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, रिपोर्ट लिखी जाती तो कमजोर लिखी जाती, फिर उनको जाने नहीं जाता तो न्यायालय तक जो प्रकरण जाता उसके अंदर में तो फेलियर हो जाते ना वो आपकी न्याय पुलिस वाला स्वर्ण समाज का, रिपोर्ट लिखने जांच करने वाला स्वर्ण समाज का, न्यायाधीश स्वर्ण समाज सर, तो न्याय कहां से मिलेगा? न्याय परिभाषा सर मत दीजिए, समानता के अधिकार का कुछ तो सम्मान रख लीजिए आप लोग। तो हम लोगों को न्याय कहां से मिलेगा? कुछ तो सम्मान रख लीजिए सर, समानता के अधिकार के, समानता की जो बातें की जाती हैं, सम्मान क्या? जो कोई सवर्ण समाज का है वो विरोधी होगा दलित का, सर ये परिभाषा तो कम से कम मत दीजिए। गिरिजा शंकर जी, फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहते हैं, जो बात मोहन लाल पाटिल जी कर रहे हैं क्या एक्सेप्ट हम कर सकते हैं कि कोई सवर्ण समाज का व्यक्ति है तो दलित का वो शोषक ही होगा? नहीं, ये तो धर्मगुरु ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ये तो मानना पड़ेगा कि दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ लगातार अन्याय होता रहा है और आज भी न्याय व्यवस्था के अंतर्गत, पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत उनको जो न्याय मिलना चाहिए, जो संरक्षण मिलना चाहिए वो कहीं न कहीं नहीं मिलता। ये बिल्कुल सही है कि लगातार इस बात की शिकायतें होती रही हैं, सरकारें आश्वस्त करती हैं, उसके बाद जो कन्विक्शन रेट एससी एसटी के मुकदमों में कम है तो वहां ये देखना चाहिए कि वो इन्वेस्टिगेशन सही हुआ कि नहीं। बिल्कुल, और यदि वो बिल्कुल ये तमाम चीजें देखी जानी चाहिए कि किस तरीके से प्रक्रिया चल रही है, लेकिन केवल ये कह देना कि सवर्ण समाज है लिहाजा वो दलितों का शोषक होगा ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जिस तरीके से पूरी तस्वीर बनी उसमें सियासत तो है और सियासत करने की जो दलितों के नाम पर राजनीति करते हैं वो भी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आप सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में हिस्सा लिया। मामला सियासत का नहीं है, आंतरिक सुरक्षा का है, हक की लड़ाई हो लेकिन हथियार उठेंगे तो अपना ही देश जलेगा और अपना देश जलेगा तो कोई सुरक्षित नहीं रह सकता। आप